अदर वीडियो। तो मैं हूँ लोकेश जाड़, तो स्वागत है आपका द डिजिटल हैक्स चैनल में। तो आज की वीडियो में अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की, जो कि VXI मॉडल रहता है। ये ऑप्शन मॉडल रहता है, जो कि सिंपली जो VXI मॉडल रहता है ना, उसमें आपको जो कीज़ मिलती है, इसमें आपको पुश बटन मिलता है, जो कि इसमें आपको दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको कीज़ का फीचर नहीं मिलेगा, ये ओनली सिंपली इसमें पुश बटन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो वो वाला ये वाला मॉडल है, ठीक है। तो उसके अलावा भी इसमें VXI मॉडल में आपको दो मॉडल मिलते हैं, 5MT और एक और 5AMT, जो कि एक ऑटोमेटिक भी रहता है इसमें, जो टॉप रेंज आते हैं उसमें, तो उसका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रहता है। ये सिंपली रहता है 5MT, जो कि मतलब मैनुअल रहता है, इसमें कोई ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। तो अपन गाड़ी की पूरी बात करेंगे भाई, आपको क्या जो प्राइस पॉइंट रहने वाला है गाड़ी में, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस गाड़ी में। तो एक बार मैं आपको गाड़ी पूरी साइड प्रोफाइल से भी दिखा देता हूँ, गाड़ी कैसी दिखने वाली है आपको। कुछ टेल लुक इसका आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो कुछ आपको ये वाली कीज इसमें देखने को मिलेगी, नॉर्मली इसमें लॉक बटन और अनलॉक बटन देखने को मिलेगा। उसके अलावा और कुछ इसमें बोर्ड स्पेस वगैरह कुछ चीज़ देखने को मिलेगी। सिंपली थोड़ी ब्लू और ड्यूअल कलर में आपको देखने को मिलती की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। आपको की वही मिलेगी जो आपको ग्रैंड विटारा वगैरह जो नेक्सा गाड़ियों मिलती है, वो सेम की आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो अपन बात करते हैं, चाबी को रख देते हैं साइड में और अपन बात करते हैं गाड़ी के थोड़ा फ्रंट लुक से। तो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से जो इसका फ्रंट DRL से, इसके अंदर LED प्रोजेक्ट लैंप है और सामने आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लुकिंग में एक अच्छा देखने को मिलता है, ब्लिंक कर रही है आप देख सकते हो। नीचे आपको कोई फॉग लैंप देखने को नहीं मिला, क्योंकि भाई ये क्या है, थोड़ा ऑप्शनल मॉडल है। अगर आप ये मैनुअल है उसके हिसाब से, आपको अगर ऑटोमेटिक मॉडल में जाते हो तो आपको उसमें यहाँ फॉग लैंप देखने को मिलेगा। अगर आप बाद में अपडेट कराना चाहते हो तो करा सकते हो। और यहाँ बीच में मिलेगा आपको सुजुकी का एक क्रोम फिनिशिंग का एक शानदार सा लोगो। बात कर लेते हैं फ्रंट ग्रिल की, जो कि आपको मिलेगा कार्बन फाइबर का देख सकते हो, और ये यहाँ पर इसमें पैक कर दिया गया है। देखो इधर आपको बीच में अंदर इंजन दिख रहा होगा, यहाँ आपको नंबर प्लेट का इंस्टॉलेशन। फ्रंट में इसमें कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो आते हैं अपन टायर के पास। इसमें मिलते हैं आपको MRF के इकोटेट के टायर, जिनकी साइज रहने वाली है भैया 165/80R14। 14 इंच को आपको इसमें टायर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जो व्हील है वो एक प्लास्टिक केप देखने को मिलेगी, कोई डायमंड कट वगैरह अलॉय इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। बीच में सुजुकी के लोगों के सिंपल सा एक चीज़ रहता है डिसेंट सी गाड़ी में इसमें। और फ्रंट जो टायर है वो भी इसमें आपको शायद पावर ब्रेक सिस्टम नहीं मिलने वाला फ्रंट टायर में। तो देख लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल एक बार। ऊपर आपको जो रूफ रेल आती है गाड़ियों में, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर सिंपल सा आपको एंटीना देखने को मिलेगा। और जो साइड ORVM है उनमें आपको एक छोटी लाइट देखने को मिलेगी, ब्लिंक करती है काफ़ी ज़्यादा, एकदम अच्छी लगती है। और गाड़ी में आपको मिलेगा फुली ऑटोमेटिक सेंसर, अगर आप गाड़ी के पास है आपको हाथ में की दे तो आप इसे दबा कर सिंपली गाड़ी ओपन कर सकते हो। ये काफ़ी बेटर फीचर रहता है मारुति की गाड़ियों में। बात कर लेते हैं गाड़ी के टेल लुक की, तो कुछ आपको एक प्यारा सा जो मारुति में मिलता है आपको वो वाला टेल लुक देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं ऊपर से, तो यहाँ पीछे कोई आपको स्पॉइलर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बाद में कराना चाहते हो करा सकते हो। बीच में मिलेगी आपको पीछे साइड में स्टॉप लाइट, और जो टेल वाइपर है वो उसकी ज़रूरत भाई थी इस गाड़ी में, क्योंकि भाई ऑप्शनल रहता है तो उसके हिसाब से गाड़ी में देना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। और जो एक इसकी जो टेल लाइट की बात कर लेते भाई साहब, देख रहे हो आप एक हल्का सा कि रेड जो इसमें लाइट दी गई है काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और नीचे आपको देखने को मिलेगी 3 LED लाइट, ठीक है। उसके अलावा नीचे एक इंडिकेटर लाइट भी दी गई है जो ब्लिंक कर रही है। उसके अलावा इसमें आपको भाई साहब पीछे ना 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला, और बीच में क्रोम फिनिशिंग का सुजुकी का लोगो, और इधर जो स्विफ्ट गाड़ी का इस मॉडल है उसका जो लोगो दिया गया है। तो इसमें आपको मिलता है 163mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। और नीचे मिलेगा आपको एक इसका जो टो हुक देखने को, और पीछे इसका साइलेंसर देख सकते हो आप। तो अपन चलते हैं गाड़ी के, थोड़ा बूट स्पेस दिखा देता हूँ आपको, इसमें गाड़ी का बूट स्पेस कैसे क्या रहता है। तो मैं इसके लिए आपको इसको ओपन कर देता हूँ। ये लो भाई साहब, आपके सामने पेश है मारुति का जो VXI ऑप्शन है उसका जो बूट स्पेस देख रहे हो भाई साहब। आप मिलने वाला है आपको 265 लीटर का बूट स्पेस फुल मोज, मतलब देख रहे हो भाई, अगर आप 2 से 3 बंदे भी अगर ट्रैवलिंग करते हो ना इस गाड़ी से, तो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसको कर देते हैं बूट स्पेस को बंद, और चलते हैं गाड़ी की, आपको थोड़ा इंजन दिखा देता हूँ गाड़ी का इंजन कैसे क्या रहता है। तो इसका इंजन अपन सिंपली भाई साहब यहाँ से अपन को ओपन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ ये खुल गया इसका इंजन।
इस गाड़ी में मिलेगा आपको 1200 cc का इंजन, जो साथ में मिलता है आपको 3-सिलेंडर इंजन जो जनरेट करता है 5700 rpm का पावर, साथ ही में 111 Nm का टॉर्क। भाई साहब इंजन में आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऊपर आपको एक शेड दिया गया है जो प्लास्टिक का रहता है इसकी सेफ्टी के लिए, और ये बैटरी दी गई साइड में, बैटरी शायद कंपनी दूसरी कंपनी की बैटरी है, और कुछ ये है आपके सामने इस गाड़ी का इंजन। तो दिखा दूँ मैं इस गाड़ी में आपको मिलता है 37 लीटर का जो फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा रहेगा फ्यूल टैंक इस बार। तो चलते हैं अपन गाड़ी के अंदर, तो यहाँ मिलते हैं आपको एक डिसेंट सा जो इसका डोर हैंडल रहता है वो मिलता है आपको, गाड़ी को ओपन कर लेते हैं एक बार अपन। तो भाई यहाँ मिलता है आपको सिंपली डोर अनलॉक लॉक करने का बटन, या मिरर को करने का बटन, नीचे बोतल होल्डर मिलता है, और यहाँ मिलते हैं आपको इसके स्पीकर। ठीक है, तो अपन चलते हैं सिंपली गाड़ी के अंदर। तो भैया मैं आ चुका हूँ फिलहाल जो इस गाड़ी के अंदर, तो कुछ ऐसा इसका एंट्री है, यहाँ से सामने से देखने में कुछ आपको ऐसा जो फील आता है गाड़ी में देख सकते हो आप। और भाई पीछे ना कोई हेडरेस्ट वगैरह नहीं है गाड़ी में, क्योंकि भाई थोड़ा बेस मॉडल है ना, इसलिए बीच में आपको 3 सीट मिलेगी जो कि ठीक रहती है बेस गाड़ी के हिसाब से, और सीट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, गाड़ी कंफर्टेबल रहेगी। और पीछे रियर में कोई एसी वगैरह नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक मेरे को मिस पॉइंट लगा इस गाड़ी में। दोनों साइड डोर हैंडल देखने को मिलेंगे ऊपर आप यहाँ सिंपली पकड़ने के लिए। और भाई ये कुछ फ्रंट लुक ऐसा रहेगा, पीछे रियर में कोई एसी नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, जहाँ की भाई लाइट होनी चाहिए थी, नाइट में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखते हैं गाड़ी की फ्रंट सीट पे, तो यहाँ आपको कीज़ का ऑप्शन भी दिया गया है इस गाड़ी में, ठीक है, और यहाँ सेंसर दिया गया है। तो चलते हैं अपन गाड़ी के अंदर सिंपली। तो जो फ्रंट डोर है उसमें भी आपको मिलेगा यहाँ पर जो बाहर के जो दोनों ORVMs है, लेफ्ट या ORVMs और राइट ORVMs, उनको आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मिरर वगैरह लॉक, मिरर को अनलॉक करने के चारों मिरर के मिल जाते हैं सिस्टम यहाँ पर। और नीचे मिलेगा आपको बोतल स्पेस, और यहाँ मिलता है फ्रंट में आपको एक स्पीकर। तो चलते हैं अपन गाड़ी के अंदर भाई बिना देर किए। तो मैं कीज़ को रख देता हूँ गाड़ी के, थोड़ा यहाँ कीज़ को रख देता हूँ। तो अपन आ चुके हैं भाई फ़िलहाल साहब गाड़ी के अपन अंदर आ गए, थोड़ी सीट में एडजस्ट कर लेता हूँ, डोर लगा देता हूँ। भाई ये है गाड़ी का जो इंटीरियर है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मिलता है आपको सिंपल सा जो टच स्क्रीन मिलती है आपको इसमें, जो नॉर्मली आपको मारुति की जो ग्लोबल गाड़ी है उनमें देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको 4 AC मिलेंगे, एक ड्राइवर साइड, 2 सेंटर में, और 4th वाला यहाँ। भाई लिटरली बताऊँ ना, AC काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस गाड़ी का। मैं बैठा हूँ फिलहाल इतनी गर्मी में भाई, लेकिन AC की बात हो क्या, ठंडी हवा आ रही है एकदम। तो फ्रंट में दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पर, यहाँ नॉर्मली आप बोतल रख सकते हो, और ये जो नॉर्मली रहता है सीट बेल्ट का, और ये हैंड ब्रेक, और यहाँ मिलते हैं इसमें आपको 5 गियर सिस्टम और एक रिवर्स का। फ्रंट में भी आप कुछ रख सकते हो, मेरी की पड़ी वगैरह हुआ। और यहाँ मिलेगा आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट, और एक चार्जिंग पोर्ट इधर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आप सिंपली वगैरह जो AC वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस गाड़ी के। कुछ इसका जो हैंडल है इसमें आपको थोड़ी सी जो लेदर फिनिशिंग मिलती है इन गाड़ियों में आप देख सकते हो, यहाँ से क्लोज दिखा देता हूँ मैं आपको, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ मिलेंगे इसके क्रूज कंट्रोल, यहाँ से आपको सिंपली फ़ोन वगैरह आप सिंपली उठा सकते हो यहाँ से। ठीक है, गाड़ी रहेगी फुल्ली मैनुअल भाई। अगर आपको टॉप मॉडल लेना है भाई, तो उसके लिए आपको अगर चाहिए गाड़ी ऑटोमेटिक, तो उसके लिए आपको इससे जो टॉप वाला वेरिएंट है उसमें जाना पड़ेगा, वो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक देखने को मिलने वाला है। मिलेगा आपको IRVM, और दोनों साइड मिलेंगे आपको जो सनवाइजर है, दोनों साइड सनवाइजर देखने को मिलेंगे आपको। इसमें आपको मिलेगा छोटा सा मिरर, और यहाँ मिलेगी आपको जो एक सिंपली जो छोटी लाइट है, जिसकी मैंने बोला था आपको ये लाइट की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। यहाँ इस लाइट का कोई मेरे हिसाब से कोई इसका जो वर्क नहीं रहता है इस लाइट का, इस लाइट को होना चाहिए था पीछे की साइड में, तो इसको सिंपली बंद कर सकते हैं अपन। गाड़ी के अंदर आने के बाद मैं आपको दिखा दूँ आपको कितने स्पीकर देखने को मिलेंगे। आपको मैंने पीछे की साइड में स्पीकर दिखाया है सीट में, ठीक है, दोनों साइड डोर साइड स्पीकर मिलेंगे, और जो फ्रंट के दोनों डोर है ना उनमें भी आपको यहाँ मिलेंगे स्पीकर, ठीक है, एक इधर और एक इधर। यहाँ सिंपली आपको जो मैनुअल मिलेंगे, यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो, और वहाँ से फ्यूल टैंक, ठीक है। और भाई यहाँ से आप इंजन स्टार्ट करने का जो पुश बटन मैंने बताया था आपको, इसमें कीज़ का सिस्टम नहीं मिलेगा देखने को, तो वो पुश बटन इसमें देखने को मिलेगा। भाई गाड़ी लिटरली बताऊँ ना, एक जो फैमिली गाड़ी होती है ना, वो भाई वो गाड़ी है। अगर आपकी फैमिली में 4 पर्सन हो आप, आपको उसके लिए गाड़ी चाहिए, तो भाई ये गाड़ी बेस्ट रहती है आपके लिए, क्योंकि भाई अंडर 10 लाख में आपको गाड़ी मिल रही है भाई, आपको इसमें फुल्ली पुश बटन मिल रहा है, उसके अलावा भाई आपको क्या ही चाहिए। एकदम दमदार आपको इस गाड़ी में AC मिलेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में फीचर मिलेंगे आपको। तो भाई मेरे हिसाब से गाड़ी फैमिली गाड़ी है, बहुत ही शानदार गाड़ी रहने वाली फैमिली के हिसाब से। एक चीज़ दिखाऊँ, आप यहाँ से सिंपली जो सीट को यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको ऐसे दबा के प्रेस करके सीट
सिंपली आप यहाँ से सीट सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सीट को आप आगे पीछे लेना है तो आपको ये सिस्टम दिया गया है जो आपको हर गाड़ी में देखने को मिलेगा, लगभग जो बेस मॉडल में आपको यही देखने को मिलता है। ये मॉडल आपके सामने है, ये वाला भी आपको जो एक्स शोरूम पड़ेगा प्रतापगढ़ में, मारुति सुजुकी जो भाटिया एंड कंपनी का शोरूम है, वहाँ पर 7,56,000 में आपको ये एक्स शोरूम मिलने वाला है। अगर आप इसको ऑन रोड ले जाओगे तो ऑन रोड आपको तकरीबन 9 से 10 लाख के बीच में आपको ये गाड़ी पड़ने वाली है।